दोस्तों यार आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि यार अपने मोबाइल फोन से अगर हमको एक YouTube चैनल बनाना हो तो यार कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप YouTube चैनल कैसे बना सकते हो, प्लस साथ साथ दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करोगे, ये तरीका भी आपको बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यार जब तक अपने चैनल पर YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं कर लोगे आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते, समझ रहे हो। तो कैसे पूरा करोगे ये प्रोसेस भी बताऊंगा, चैनल कैसे बनाते सब कुछ सिखाने वाला हूं। प्लस दोस्तों बता दूं कि यार मेरे खुद के YouTube पर दो चैनल है, एक चैनल पर दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हो और एक चैनल और है जिस पर मैं अपने ब्लॉग अपलोड करता हूं। दोनों चैनल से दोस्तों मैं अच्छा खासा पैसा दोस्तों महीना कमा लेता हूं, कितना कमाता हूं ये भी आपको बताने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने पूरा एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मैंने खुद अपने YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आपको एक वीडियो की आपको बस अर्निंग दिखा दे रहा हूं मैं आपको। अभी आपके सामने दोस्तों सब कुछ दिखाने वाला हूं कि YouTube से आप फ्यूचर में कितना रुपया कमा पाओगे, कितना यहां पे पोटेंशियल है, आपको YouTube पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको सामने सब कुछ खुद ही दिखा दे रहा हूं। दोस्तों साइड में यहां पे मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, यहां पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा था, आप देख सकते हो 4 जनवरी 2023 को, तकरीबन एक साल हो चुके हैं यार इस वीडियो को बनाए हुए। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो इस पर कितने व्यूज है, मैं आपको अभी इसका आपको अर्निंग भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी आप दोस्तों अगर आप यहाँ पे व्यूज देखोगे तो 2.2 करोड़ व्यूज दिख रहे हैं, तकरीबन 22 मिलियन व्यूज है सिर्फ इस एक वीडियो पर, ठीक है। वॉच टाइम दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 19 लाख से ज्यादा यहाँ पर वॉच टाइम मिला है। अगर आपको दोस्तों YouTube से पैसे अर्न करने हैं, पैसे कमाने हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 4000 वॉच टाइम आपको पूरा करना पड़ता है, सिर्फ 4000 वॉच टाइम आपको पूरे वीडियो जितने वीडियो अपलोड करते हो सारे वीडियो को मिला के पिछले एक साल के अंदर, मतलब पिछले 12 महीने के अंदर आपको 4000 वॉच टाइम आपके चैनल पर होने चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइबर की रही बात तो 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर होने चाहिए दोस्तों, तभी आपको YouTube पैसा देता है। और यहाँ देख सकते हो कि एक वीडियो ने मुझे 6 लाख सब्सक्राइबर दे दिया सिर्फ एक साल के अंदर ही, 6 लाख सब्सक्राइबर, समझ रहे हो। अब बात करते हैं यार कि अगर 2 करोड़ व्यूज है तो अर्निंग कितना हुआ है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अर्निंग कितना हुआ है, $20,260। अब यार हो सकता है कि आप सोचो कि यार $20,260 इंडियन रुपीज में कितने होते हैं, तो यार दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो, मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ कि ये इंडियन रुपीज में ये कितने रुपये हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर USD को INR में कन्वर्ट करते हैं, जो कि अभी यहाँ पर $1 की कीमत 83 रुपीज है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं टोटल डॉलर, कितने हैं हमारे पास, $20,260। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अर्निंग हो गई, 16,77,000, समझ रहे हो, 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो से अर्निंग किया हूँ भाई, समझ रहे हो, एक वीडियो से 16 लाख रुपया, वो भी एक साल के अंदर। मैं जाने कितने वीडियो अपलोड किए तो मेरे कितने रुपये यहाँ पर बने होंगे या फिर कितना रुपये महीना कमा रहा हूँ, आप खुद ही सोच सकते हो। तो इतना तो आपको पता चलेगा कि अगर आप YouTube पर काम करोगे, अगर आपके वीडियो पर व्यूज आने लगेंगे तो आपकी अर्निंग कितना ज़्यादा होने वाली है, सो दोस्तों देख सकते हो। शायद आप बाहर कहीं जॉब भी करो तो इतने पैसे आप अर्न ना कर पाओ, समझ रहे हो, YouTube पर कितने ज़्यादा पैसे। यार इतना तो आप लोग समझ लिए कि यार YouTube पर पैसे बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा अर्निंग इससे YouTube से हम कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के, ठीक है। तो चलो यार पैसे तो बहुत है, बट अब बात करते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से चैनल बनाया जाता है पता नहीं है हम लोग को, तो यार मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि चैनल कैसे बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है सब कुछ। बट हाँ दोस्तों एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आप YouTube के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आपको बहुत से ऐसे वीडियो दूंगा दोस्तों जो आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। वीडियो अच्छा लगता है यार एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको एक YouTube चैनल बनाना है, बिल्कुल नया YouTube चैनल बनाने की अगर आपने सोच लिया है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि आप एक नया ईमेल आईडी बना लेना। जी हाँ दोस्तों, एक नया ईमेल आईडी से नया YouTube चैनल बनाना आज के टाइम पे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि YouTube नए चैनल को ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा उसको पुश करता है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर YouTube चैनल के लिए नया ईमेल आईडी बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना, अपना YouTube ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। YouTube ऐप पे क्लिक करो, इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कोने साइड में यहाँ पर कॉर्नर में क्या है, जो भी आपको प्रोफाइल दिख रहा है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा, देख सकते हो स्विच अकाउंट, ठीक है। स्विच अकाउंट लिखा ना, आपको यहीं पर क्लिक करना है स्विच अकाउंट पे। स्विच अकाउंट पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके सामने काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, जो भी अकाउंट आपने इसमें ओपन कर रखा होगा YouTube का सब शो करेगा, ठीक है। बट आपको तो नया बनाना है तो आप यहाँ पर जो बना होगा ना प्लस, इस प्लस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। प्लस पे क्लिक करिए, जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे आप खुद ब खुद आपसे ये पिन मांगेगा, अपना पिन दे देना, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा और आप यहाँ पर आ जाओगे जीमेल ऐप पे आप आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है नया ईमेल आईडी बनाने का। ध्यान से देखना यार कैसे बनाना ईमेल आईडी, बहुत से लोग ईमेल आईडी नहीं बना पाते तो चैनल कहाँ से बना पाओगे, ये सीख लो, ठीक है। यहाँ लिखा है क्रिएट अकाउंट, ध्यान से देखो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। फॉर माई पर्सनल यूज़, आपको अपने लिए बनाना है तो फॉर माई पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है।
यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और सरनेम अगर है तो यहाँ पर लिखना है आपको सरनेम, ठीक है। दोनों फिल करने के बाद दोस्तों ये जो लिखा है नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा आपका बर्थ डेट क्या है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर डे लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिख देना है और जो भी आपका जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करिएगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करके यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर पहले फिल कर लेते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ जो लिखा हुआ नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे अब आपसे ये बोल रहा है आपको जो भी ईमेल एड्रेस है आप खुद अपने यहाँ से आप खुद क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे बनाना है ध्यान से देखो, आपका जो भी नाम है ना उस नाम को आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, जो भी अपना नाम है। जैसे मान लो मुझे यहाँ बनाना है, जो भी आपको बनाना चाहते हो आप यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ना तो खुद ब खुद आपको ये बता देगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसी ने ले रखा है, ये यूजर नेम है कोई टेकन, मतलब कोई ले रखा है, तो जो अवेलेबल है आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो खुद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आप खुद ही यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हो, खुद लिखना चाहते हो तो लिख के ट्राई कर लीजिएगा, जो अवेलेबल होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। मान लो मुझे यही लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करके फिर यहाँ लिखा हुआ नीचे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल करना है भाई। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे फिल करिएगा उसमें लेटर रखिएगा, नंबर रखिएगा, सिंबल रखिएगा, ये तीनों जरूर रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने मैं यहाँ पे अपना कुछ लिख लेता हूँ। हमने दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया है। बनाने के बाद से यहाँ जो लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, आई एग्री लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि आपका जो भी नया ईमेल आईडी था, मतलब नया ईमेल अकाउंट आपने जो बनाया ना, ईमेल आईडी आपका ईमेल आईडी बन गया है और खुद ब खुद आपको रीडायरेक्ट कर दिया यूट्यूब पर। आप देख सकते हो आप खुद ही अपने आप से यूट्यूब पर आ गए और आपने जो भी नया अकाउंट बनाया है आपको नीचे यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है और आपको यहाँ पर नो चैनल लिखा हुआ शो कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको डार्क दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। रेड कर लिया यहाँ पर, देख सकते हो ये हम आपके सामने मैंने बनाया था और इससे कोई चैनल नहीं बना हुआ है, तो आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करिए, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका जो YouTube ये ओपन हो रखा है ये किससे ओपन हुआ है, आपने जो नया ईमेल आईडी बनाया है उससे ओपन हो रखा है, ठीक है। अब उसी ईमेल आईडी का यूज करके हम चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर इसी कॉर्नर पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर लिखा हुआ शो करेगा क्रिएट अ चैनल, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि चैनल बनाते कैसे हैं। सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका चैनल कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने चैनल का जो भी आपका लोगो होता है ना यार, जो गोल सा दिखता है लोगो, उस लोगो को दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपने फोटो रखा अपने गैलरी में, गैलरी पर क्लिक करो और अपने फोटो को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करके जो भी चाहता हूँ इसमें से फोटो एक ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसका फोटो ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये फोटो लेने के बाद से मैंने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके यहाँ पर सेव एस प्रोफाइल पिक्चर लिखा हुआ नीचे, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोफाइल पिक्चर लग गया, ठीक है। मैंने इस फोटो को लगा दिया यहाँ पर। दूसरा है नेम चेंज करना है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखना चाहते हो, जरूरी नहीं है ना कि आपने जिस नाम से ईमेल आईडी बनाया था उसी नाम से ईमेल आईडी अपना ये यूट्यूब चैनल का नाम रखो, जरूरी तो नहीं है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ जो पेंसिल है इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप जो भी नाम यहाँ पर रखना चाहते हो, जैसे मान लो कि मुझे कुछ और नाम यहाँ पर रखना है, मुझे यहाँ पर नाम रखना है, ये नाम यहाँ पर मुझे रखना है, इस नाम से मेरा चैनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाम लिखने के बाद से जो लिखा है सेव, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हो आपका नाम यहाँ पर चेंज हो गया। नीचे हैंडल, हैंडल क्या होता है दोस्तों, हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी बंदे को कमेंट करोगे तो आपको इसी हैंडल से आपको कमेंट शो करता है। आप खुद देख लेना, किसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाना, जितने भी लोग कमेंट करते हैं सारा हैंडल से शो करता है और इसी हैंडल का एज द रेट लगाकर अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करेगा आपका चैनल तुरंत ही शो कर जाएगा। इसको भी आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने में दोस्तों यहाँ जो लिखा क्रिएट चैनल आपको यहीं पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर बन गया, बनकर स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी आपको पूरा दिखाता हूँ, देख सकते हो चैनल क्रिएटेड लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो नीचे फिर कॉर्नर है यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। अभी आप दोस्तों देख सकते हो कि हमारा जो चैनल है यहाँ पर चैनल बना हुआ आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका चैनल कुछ इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देख सकते हो मैनेज वीडियो लिख के आ रहा है और आपका चैनल इस तरीके से कुछ शो कर रहा है, ठीक। बट दोस्तों ये आपका चैनल बन तो गया है, बट इस चैनल पर भी आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों चैनल बनाने के बाद से भी काफ़ी ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जिसको ऑन नहीं करोगे, जिसको सही तरीके से सेट नहीं करोगे भाई, अपने चैनल पे चाहे जितना वीडियो डालो ना आपको व्यूज़ मिलेंगे, ना आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना आपके वीडियो वायरल जाएंगे, समझ रहे हो। सिर्फ चैनल बना लेने से कुछ नहीं होता भाई, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी होती है जो आपको करने होते।
अभी दोस्तों आपको यहाँ बता दें, यहाँ जो लिखा है पेंसिल ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अपने प्रोफाइल फोटो को अगर आप चेंज करना चाहो, मतलब आपका चैनल का जो लोगो है इसको चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। पीछे दोस्तों आप देख सकते हो पूरा ये जो बैनर कहलाता है, ठीक है, इसको भी दोस्तों अगर आप सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। बैनर को, बैनर बनाना नहीं आता दोस्तों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे बैनर बनाते हैं, सब आप देख लीजिएगा, देखकर आप बनाकर यहाँ सेट कर लीजिएगा। अपने नाम को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपने चैनल के बारे में कुछ लिखना चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके अपने चैनल के बारे में कि मेरा चैनल इस चीज से रिलेटेड है, मैं इतने बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, अपने चैनल का डिस्क्राइब कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको बैक कर लीजिएगा यहाँ से। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो सेटिंग कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सेटिंग शो नहीं करेगा। सेटिंग दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से हाइड करना है। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखना होगा YouTube, ठीक है ना, यहाँ लिखिएगा YouTube.com, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा आपको कैसे ओपन होगा, कैसे YouTube को ओपन करना है, YouTube स्टूडियो कैसे ओपन करना है अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर में, ध्यान से देखिएगा। YouTube.com लिखोगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। सबसे पहला काम है दोस्तों आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में खोल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ लिखा है डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कॉर्नर में देख सकते हो जो भी प्रोफाइल आइकन बना हुआ ना उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ लिखा होगा YouTube स्टूडियो, ठीक है, और यहीं पर लिखा होगा स्विच अकाउंट। आप जिस भी अकाउंट को ओपन करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, स्विच अकाउंट पे क्लिक करना, जो भी आपका अकाउंट है देख सकते हो मैंने ये नया बनाया था, इसी अकाउंट को आप ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके मोबाइल फोन में वो वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा, देख सकते हो मेरा ये वाला अकाउंट जो है नया बनाया था वो ओपन हो गया यहाँ पे कॉर्नर पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा YouTube स्टूडियो, ठीक है, YouTube स्टूडियो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर तक प्रेस किए रहेगा, वरना अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे पहुँच जाओगे कहाँ पर, आपका जो एप्लीकेशन है YouTube स्टूडियो का ऐप है वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ मत चले जाना, ठीक है ना। यहाँ लिखा होगा ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाना 11 वाले पे, जो मतलब यहाँ पर जो आपका टैब वाला ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करना, और जो भी आपका रिसेंट होगा ना रिसेंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो अकाउंट है ये ओपन हो गया, और इसकी सेटिंग सारी यहीं से ओपन होगी, देख सकते हो ये वही अकाउंट है दोस्तों मैंने अभी जो नया बनाया था, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। अब आपका जो मेन सेटिंग है आपके चैनल पे वो कैसे दिखेगा अभी आपको दिखाऊंगा, देख सकते हो आपका 0 सब्सक्राइबर पे दिख रहा है। मैंने बोला ना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप सब कुछ सीख जाओगे यूट्यूब के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अर्न वाला, देख सकते हो ये अर्न वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको दिखा दूँ। 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों आपको अपने चैनल पर लाना होगा, प्लस अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो उससे आपको 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए पिछले 365 दिनों में, मतलब 12 महीने के अंदर। और अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो आपको 100 लाख व्यूज चाहिए, मतलब 10 मिलियन आपको व्यूज चाहिए पिछले 90 दिनों के अंदर, देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर दोगे तो आप YouTube से पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग ओपन करने के दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप नीचे इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, आप इस थोड़ा जूम करना, नीचे देखो आपको यहाँ पर एक सेटिंग बना हुआ होगा, मैं आपको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग बना हुआ कॉर्नर साइड में, आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन करा जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ जनरल, तो जनरल में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जनरल में आपको देख सकते हो यहाँ पर डॉलर बना हुआ है, जब आपकी अर्निंग होने लगेगी तो आपको यहाँ पर डॉलर में शो करता है, आप चाहते हो कि इंडियन में शो करें क्लिक करके चेंज कर लेना, जिस भी करेंसी में चाहते हो चेंज कर सकते हो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर चैनल का, ध्यान से देखिएगा, चैनल में सबसे पहला है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप किस कंट्री का आपका चैनल है, किस कंट्री में आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर आपका चैनल इंडिया का है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर रही है, जाहिर सी बात है यार आपको जिस भी कंट्री का आपका चैनल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया इंडिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इंडिया हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते क्या यार, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो आपके सामने मैं सारा फिल करके दिखाऊंगा कीवर्ड्स होते क्या है। जैसे मान लो कि मेरा ये डांसिंग वाला चैनल है, ठीक है, तो आपका जो भी चैनल का नाम है पहले अपने चैनल का नाम यहाँ पर फिल कर लो, स्मॉल लेटर में लिख लिया, आप कैपिटल में भी लिख लूंगा मैं इसको अच्छे से, ताकि कोई भी हमारा चैनल सर्च करे, ठीक है, जब भी हमारा चैनल सर्च करे तो उसको टॉप पर हमारा चैनल शो करे। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड फिल करते हैं, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे फिल कर लिया, देखो सब आपके सामने शो फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख सको। और आपका चैनल पर आप जिस तरीके से कंटेंट अपलोड करने वाले हो, जिस तरह का वीडियो बनाने वाले हो, उनसे रिलेटेड भी कीवर्ड डाल देना, कम से कम 15 से 20 कीवर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, देख सकते हो यहाँ पर 500 वर्ड दे रखा है,
लिख लेने के बाद दोस्तों फिल करने के बाद से यहाँ लिखा हुआ सेव, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी जो सेटिंग्स है इतनी सेटिंग हमने सेव कर लिया। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग। अब ये क्या होता है इसमें भी जरा ध्यान समझ लो। इसमें कह रहा है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप यूट्यूब कह रहा है कि आपका जो चैनल है क्या आपने किड्स के लिए बना रखा है, छोटे बच्चों के लिए आपने चैनल बना रखा है। अगर उनके लिए बना रखा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप यस पर क्लिक कर दोगे तो अब YouTube आपके जितनी भी वीडियोस है ना सारे वीडियोस का कमेंट ऑफ कर देगा, कमेंट आपके वीडियो पे कोई कर नहीं पाएगा और सारे वीडियो आपके सिर्फ YouTube पर जितने भी बच्चे आपकी मोबाइल चलाएंगे ना मोबाइल उन बच्चों को आपकी वीडियो दिखेगा। समझ रहे हो, मतलब अगर आप कार्टून वाले वीडियो बना रहे हो, खिलौने वगैरह दिखा रहे हो तो आप दोस्तों ये सेटिंग जरूर से ऑन कर लीजिएगा, एस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह का वीडियो बना रहे हो तो, अगर आप दोस्तों मेरी तरह वीडियो बनाते हो मतलब अगर आप बोलते हो सिखाते हो लोगों को, अगर एजुकेशन वाले वीडियो बनाते हो ताकि आपके लोग वीडियो देखकर समझ सके, तो भाई आप यस पर क्लिक मत करना। ठीक है, आप क्या करना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आप यहाँ पर नो जो लिखा है ना नो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नो है नो पर क्लिक करना। जैसे ही नो पर क्लिक कर दो दोस्तों अब यूट्यूब जो है आपकी वीडियोस को बच्चों को नहीं दिखाएगा, बड़े लोगों को यूट्यूब आपकी वीडियो भेजेगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि यार यूट्यूब अगर सही ऑडियंस को अगर आपका वीडियो दिखाएगा तभी तो यार आपकी वीडियो वायरल होगी, उस पर व्यूज आएगा। मान लो मैं वीडियो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरी वीडियो यूट्यूब उठाकर छोटे बच्चों को दिखा दे, किड्स को दिखा दे, तो भाई वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे क्या? नहीं, मेरी वीडियो को बंद कर देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा अगर वो वीडियो बंद कर देंगे तो भाई मेरी वीडियो चलेगी ही नहीं, वीडियो डाउन हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाकी दोस्तों एडवांस सेटिंग के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। अब इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको मिलेगी वो मिलेगा फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर, ध्यान से देखिएगा। फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों जब आप आओगे यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखता है, देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला तो दोस्तों आपको देख सकते हो ग्रीन हो गया है, इनेबल है, लेकिन दूसरा वाला दोस्तों अभी ग्रीन नहीं हुआ है, इसको भी ग्रीन करना है और इसको भी ग्रीन करना है, दोनों को इनेबल करना है। इनेबल कैसे करोगे अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरे वाले को इनेबल करने का क्या फ़ायदा है ये दोस्तों आप यहाँ समझ लो, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिखा है अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो आप 15 मिनट से भी लंबी वीडियो आप बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। दूसरा है दोस्तों कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। कस्टम थंबनेल क्या होता है दोस्तों आपको बता दें कि आप जैसे यूट्यूब ऐप अगर आप ओपन करोगे, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करते हो, जितने भी आपको यूट्यूब वीडियो यहाँ पे दिख रहे होंगे, देख सकते हो जितने वीडियो दिखते हैं सारे वीडियोज़ के ऊपर थंबनेल लगे रहते हैं, जो कि वीडियो के सामने जो पोस्टर दिख रहा है ना, जो फोटो लगा हुआ है उसी फोटो को थंबनेल कहते हैं। समझ रहे हो, वो अगर थंबनेल अगर आपका अच्छा है मतलब आपने अच्छा फोटो बनाकर आप वीडियो के ऊपर लगा दिया है कि फोटो देखते ही लोग आपकी वीडियो को पे क्लिक कर दे रहे हैं, तो दोस्तों आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आता है। समझ रहे हो, लेकिन अगर आप ये सेटिंग ऑन नहीं करोगे भाई तो आप ये फोटो लगा ही नहीं पाओगे, ये थंबनेल आप लगा ही नहीं पाओगे। जब थंबनेल नहीं लगा पाओगे तो कहाँ से लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो कहाँ वायरल जाएगा। तो थंबनेल अगर आपको लगाना है तो भाई ये सेटिंग भी ऑन करना पड़ेगा, प्लस लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, लाइव आना चाहते हो अपने चैनल पर, तभी आपको ये ऑन करना ही पड़ेगा। ऑन होगा कैसे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आपको करना क्या होगा, यहाँ लिखा हो वेरीफाई फोन नंबर, बस फोन नंबर को आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने खुद ब खुद ये ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कंट्री सिलेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले फोन नंबर आपको मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, उसके बाद उसका आपका नंबर पर कोड जाएगा, उसको फिल करना है। सारा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा आप, हमने यहाँ पर अपना फोन नंबर यहाँ पर लिख लिया, लिखने के बाद उसे यहाँ लिखा है गेट कोड, इस पर क्लिक कर देते हैं। अभी आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरे नंबर पे यहाँ पर कोड आ गया है, 6 डिजिट का कोड आ गया है, उसी कोड को दोस्तों यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना कोड फिल कर लेता हूँ, आपके सामने पूरा करके दिखाता हूँ, 8368 73। ठीक है, फिल करने के बाद लिखा है सबमिट, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया, देख सकते हो, जैसे फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, अब अगर आप उस पेज पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पेज पे अगर आप जाओगे अपने आप से दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया अपने आप से। दूसरा प्रोसेस भी हो गया। तीसरे को ग्रीन करने से क्या फायदा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, पहले फायदे इसके क्या होने वाले मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप डेली वीडियो ज़्यादा डाल सकते हो, आप शॉर्ट डेली या ज़्यादा अपलोड कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पर अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाना है, चैनल मोनेटाइज करवाना है, उसके पहले भी दोस्तों आपको ये करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपके हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर इसको इनेबल कर लेते हो। तो इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे तीन रास्ते मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है एसएस फीचर पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पर दोस्तों तीन रास्ते मिल जाते हैं, तीन तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। जैसे पहला क्या है, आपको यहाँ पर वीडियो वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, मोबाइल लेकर वीडियो अपना बनाना पड़ेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, या फिर आपका जो भी कोई वैलिड आईडी हो, जैसे पैन कार्ड वगैरह, मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड वगैरह ले रखा है, जैसे पैन कार्ड वगैरह भी है, उसका भी फोटो अगर आप खींच के डाल दोगे तो वेरीफाई कर लेगा, या फिर अपने चैनल पे आप खुद ही 2 महीने तक काम करते रहोगे ये खुद ब खुद वेरीफाई हो जाता है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मान लो कि मुझे अपना आईडी से करना है, ठीक है, मान लो पैन कार्ड से मुझे करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपका जो भी यहाँ पे ईमेल दिख रहा है ना, यहाँ पे ईमेल दिख रहा होगा, इसी ईमेल पे गेट ईमेल पे क्लिक कर दोगे तो आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे वेरीफाई भी करना है, दिखाता हूँ, डन पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या हुआ, आपके ईमेल आईडी पे यूट्यूब ने एक मेल किया है, चलिए उस मेल को ओपन करते हैं, इसको हाइड करते हैं
और यहाँ से हम अपना जीमेल ओपन करेंगे, ये जो ऐप है इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन कर लीजिए और जो आपका ईमेल आईडी वहाँ शो कर रहा था उसी को सेलेक्ट करना है, तो जो हमने नया वाला बनाया था वही था, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गूगल की तरफ से आपको एक मेल आया है। क्या मेल आया है, क्लिक करिए। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपने आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए क्या है, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आप वेरीफाई कर पाओगे, वरना आप चैनल तो बना लोगे, ये सब चीज़ कर ही नहीं पाओगे। देखो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे था यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और जो आईडी का फोटो खींचने वाले उस पर भी वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सेम। अगर आपने कुछ गलत यहाँ पे लिखा होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। सही करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए, तो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ क्लिक करोगे ना तो आपको करेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप करेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मान लो मेरा सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करना, फिर यह लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे फिर यह लिखा है दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके मोबाइल में जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और उस कैमरे के सामने दोस्तों ये जो आपका पैन कार्ड है इसको ऐसे रख कर फोटो खींच लेना, देख सकते हो ऐसे रख के फोटो क्लिक कर देना, ठीक है। अलाउ पे क्लिक कर दिया। अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों मेरा, क्योंकि मैं इसी मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो ओपन हो जाएगा दोस्तों, ऐसे रख के इसको फोटो खींच लीजिएगा फ्रंट से, बस आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बैक करते हैं यहाँ से। यहाँ से दोस्तों ये आपकी सारी सेटिंग्स पूरी हो गई। अब नेक्स्ट सेटिंग दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है अपलोड डिफॉल्ट पे, इस पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस सेटिंग, ठीक है। बेसिक इन्फो के बगल में क्या लिखा है, एडवांस सेटिंग, ठीक। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, पहला तो है लाइसेंस। लाइसेंस जो है स्टैंडर्ड रहने दीजिएगा, ताकि आपका कोई वीडियो कोई और यूज ना कर सके, कॉमन मत कर दीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों कैटेगरी, देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है नन, कि हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो भी कैटेगरी, देख सकते हो कितने ढेर सारे कैटेगरी यूट्यूब ने पहले ही दे रखा है, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी है, आप कॉमेडी वाले वीडियो बनाते हो, एजुकेशन वाले वीडियो है, म्यूजिक वाले हैं, पेट एनिमल वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, जो भी एक कैटेगरी का वीडियो बनाते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं गेमिंग वाला जो है, गेमिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं गेमिंग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, तो यूट्यूब मेरे यूट्यूब समझ जाएगा, भाई यूट्यूब कोई इंसान थोड़ी ना है, उसे क्या पता कि मेरा चैनल किससे रिलेटेड है, मैं चैनल पर क्या काम कर रहा हूँ। ये कीवर्ड देख के तो समझेगा कि मेरा चैनल गेमिंग वाला चैनल है, यूट्यूब को ये पता चल जाएगा। तो मेरे जितने वीडियोस होंगे गेमिंग वाले अपलोड कर रहा हूँगा, तो सारे वीडियोस को उठा के जो भी गेमिंग वाली ऑडियंस होगी, जो गेमिंग वीडियोस देखना पसंद करती होगी, उनके पास यूट्यूब मेरी वीडियो को भेजना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मुझे बूस्ट मिलेगा, मेरे वीडियो पे व्यूज आएंगे, समझ रहे हो। अगर मेरा यहाँ पे मान लो कि मेरा अगर चैनल है कॉमेडी वाला, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो कॉमेडी क्लिक करूँगा। अब जितने कॉमेडी वाले वीडियो लोग देख रहे होंगे उनके पास मेरा ही वीडियो चला जाएगा। पता चला मैंने कैटेगरी में सेलेक्ट ही नहीं किया है, मैं वीडियो अपलोड किया जा रहा हूँ, यूट्यूब को पता ही नहीं भाई ये क्या वीडियो डाल रहा है, किस कैटेगरी में वीडियो डाल रहा है, यूट्यूब आपकी वीडियो को कहाँ दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ के भाई वीडियो देखो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो ये सारे सेटिंग आप कर लीजिएगा। मान लो मेरा चैनल है डांस वाला, मैं म्यूजिक वाला चैनल अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं म्यूजिक वाला, ठीक है, डांस वांस करूँगा, मान लो ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी वीडियो जो है, वीडियो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में वीडियो में आप बात करते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, कन्नड़ में, मराठी में, क्या है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। अगर आप किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, हिंदी जो बोलते हो, हिंदी वाली ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, तो हिंदी सेलेक्ट करो भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हिंदी, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे तो भाई आपकी वीडियो ज़्यादातर विदेश में दिखाने लगेगा। तो कंट्री, कैटेगरी और वीडियो लैंग्वेज ये जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करोगे, बाकी आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप बस सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पर क्लिक कर दोस्तों, अब आपकी जो सेटिंग थी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, ये सारी सेव तो हो गई है, यहाँ पर देख सकते हो सारी सेव हो गई है, ठीक। बट दोस्तों एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कर लेना, वो है दोस्तों यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको लेआउट दिखेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। अगर आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके चैनल में विजिट करता है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा वीडियो दिखता है, ठीक है। आप साइड में यहाँ पर स्क्रीन शॉट देख सकते हो मेरा, यहाँ पर एक बड़ा सा वीडियो दिखता है मेरा, ठीक है ना। मेरे चैनल में कोई आता है तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो जब आप वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करिएगा, तो यहाँ पर आकर दोस्तों इसको सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो ऐड लिखा है ना, ऐड यहाँ पर क्लिक करोगे अपने वीडियो को सेट कर लीजिएगा। दूसरा आता है फीचर वीडियो जो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। ऐसे सब्सक्राइबर दोस्तों जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जब भी आपके चैनल विजिट करें तो उनको भी यहाँ पे एक बड़ा सा वीडियो दिखता रहेगा। आप साइड में देख सकते हो मेरे चैनल पर मैंने सेट कर रखा है, इस तरीके से उसको भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके चैनल पर कोई आए वो वीडियो उनको सबसे ऊपर शो करेगा, क्लिक करके देख सके। ये अच्छा बात है दोस्तों, यूट्यूब ने दे रखा फीचर दे रखा, तो उठाओ यार अपने हिसाब से इसको उठाओ। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ये कर लीजिएगा। दूसरा है ब्रांडिंग, जो कि आप वहीं से कर सकते हो, लास्ट में आपको बता दिया था पहले ही स्टार्टिंग में। बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आके अपना ईमेल आईडी वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो, चैनल के बारे में यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत है ये, इसको भी आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप इसको सेव कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पर।
पब्लिश लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सारा ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा। ये जितनी भी सेटिंग थी दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो कि मैंने अभी पूरा कर रखा है। पूरा करने में दोस्तों यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी सारी सेटिंग सही तरीके से हो गई, ठीक है। तो दोस्तों YouTube की सारी सेटिंग दोस्तों आपको मैंने अच्छे से सिखा रखी है, सारी सेटिंग आपने जान गए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि आप एक दिन के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा कर सकते हो, वो कैसे कर लोगे यार, वो कैसे करोगे? तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ आप लोग के लिए मैंने एक चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम दोस्तों जो ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उस पर मैंने एक चैनल बना रखा है स्प्रेडिंग ज्ञान नाम से, ठीक है। तो सब साइट देख सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा दोस्तों, 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास मेंबर है। ये 2.5 लाख जितने भी लोग हैं ना, सब लोग यूट्यूबर हैं, देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा आप सब यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं, सब हमारे ग्रुप में ऐड है। इस तरीके मैंने 2-3 ग्रुप यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर दोस्तों आप जाके इसको पहले ज्वाइन कर लेना, इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, क्लिक करो, टेलीग्राम वाला जो भी लिंक होंगे क्लिक करो, वो जो भी ग्रुप वहाँ पे दिख रहे हैं सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर लो जो मेरे नाम से ग्रुप है। लेकिन जो भी ग्रुप ज्वाइन करना भाई, इसमें अगर लिंक दे रखा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वही रियल ग्रुप है, फेक ग्रुप में मत चल जाना, वरना लोग आपसे वहाँ पर पैसे मांगने लगेंगे, समझ रहे हो, फेक आईडी बना के मेरे नाम से। तो फंसना मत भाई, मैं किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, सबको फ्री में भाई सब कुछ देता हूँ, फ्री में सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है ना। आप खुद ही बढ़ाओगे, अगर आपसे कोई भी बंदा मेरे नाम से पैसा मांगेगा तो समझना फर्जी है, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। इस ग्रुप के अंदर जाना दोस्तों, जाने के बाद से आप वहाँ पे ऊपर क्लिक करना, जितने भी मेंबर होंगे सब शो कर रहे होंगे, ठीक है, उनके नाम पे क्लिक कर लेना, जिस जो भी ऑनलाइन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करके आप उसको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, भाई ये मेरा चैनल है, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सब्सक्राइब कर लूँगा। आप हर एक बंदे से खुद ही खुद आप बात कर सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो, वो आपके साथ सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दो। तो एक दूसरे का आप सब्सक्राइब यहाँ से कर सकते हो। प्लस बहुत से लोगों का YouTube चैनल में लेकर जो भी इस वीडियो पे कमेंट भी करते हैं ना, अगर आप भी इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो आपका भी YouTube चैनल को लेकर मैं अपने ग्रुप में प्रमोशन करता रहता हूँ, लिंक डाल दूंगा, लोग आपके चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, आपकी वीडियो को भी देखेंगे, समझ रहे हो। तो इस ग्रुप का भी फायदा उठाओ यार, लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अभी क्लिक करो जाके फायदा उठाओ, मतलब ज्वाइन कर लो, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं कि आपने सारी सेटिंग तो कर रखी है, अब वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों आपको पहले बता दूं, वीडियो ऐसे ही अपलोड मत कर लेना, ठीक है। वीडियो अपलोड करने से पहले भी क्या क्या करना होता है ये चीज़ें दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए दोस्तों एक ये जो वीडियो है ये जरूर से देख लीजिएगा, ये स्पेशली वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बनाया हूँ। इस वीडियो में बताया हूँ कि वीडियो अपलोड करने से पहले क्या करना होता है, किस तरीके से वीडियो अपलोड करोगे तो ज़्यादा व्यूज आएगा, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार लेट क्यों कर रहे हो, अभी क्लिक करो जाके इस वीडियो को देखो, ये वीडियो पसंद आया हो तो यार 1 लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।